हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कनिष्का और आप लोग देख रहे हैं कनिष्का के किचन। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए डिफरेंट और यूनिक रेसिपी जो आप सभी लोगों के फेवरेट होने के साथ साथ एवर ग्रीन भी है। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ब्रेड और आलू का कॉम्बिनेशन। आज मैं आपके लिए ब्रेड का पॉकेट जो बिल्कुल खाने में एकदम टेस्टी और क्रिस्पी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा क्रंची और टेस्टी भी होता है। तो आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। ब्रेड पॉकेट का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं ये आलू। मसाला बनाने के लिए मैंने ले लिए कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाल दिया ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ, मैंने लिया है साबुत धनिया और जीरा। ये दोनों हमने एक एक चम्मच भर के डाल लेने हैं और इनको 1 मिनट के लिए सही हल्के से भूनना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अपनी हरी मिर्च को। हरी मिर्च मैंने 3 ली है जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो ये देखिए मसाला हमारा ये वाला भुन चुका है। इसी टाइम पर मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी हरी मटर। अगर हरी मटर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश ले लीजिए, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप फ्रोजन मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा कुक होने दीजिए। जो मटर है वो कुक हो चुकी है। इसी टाइम पर मैं इसमें जो मेरे मैश किए हुए आलू हैं मैं इनको इसमें ऐड कर दूँगी। तो चलिए, इतने में आलू भुन रहे हैं, इतने में हम इसमें कुछ मसालों को ऐड कर लेते हैं। मसालों में सबसे पहले मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया और जीरा पाउडर, ये मेरा मिक्स है। थोड़ा सा मैं इसमें ले रही हूँ रेड चिली पाउडर। थोड़ा सा मैं इसमें ले रही हूँ गरम मसाला पाउडर। कोई भी गरम मसाला ले लीजिए, आपके पास होममेड है आप होममेड भी ले सकते हैं। सही, और थोड़ा सा ही मैं इसमें लूँगी ये अमचूर पाउडर। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ले लीजिए और डाल दीजिए इसमें। ये देखिए थोड़ी सी ली है मैंने कसूरी मेथी, इसको मैं क्रश करके और इसमें डाल दूंगी। और इसी टाइम पे हम लोग इसमें डाल देंगे सॉल्ट को। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कुछ सॉल्ट को। तो देखिए अब हम इसको 5 से 7 मिनट तक और भूनेंगे, उसके बाद ही हमारी जो स्टफिंग है ये तैयार हो जाएगी। इसी टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर। कोरिएंडर को ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक हम इसको फिर से भूनेंगे और फिर गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल के एक साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए मैंने लिए एक खाली बाउल, इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 ग्लास वाटर और मैं इसमें ऐड करूँगी 4 स्पून मैदा। मैदा को ऐड करके इसमें ध्यान रखना है कि आपको लम्स नहीं बनने चाहिए इससे हम। तो देखिए मैंने 4 स्पून इसमें डाल दिया है और इसको धीरे 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 हम लोग इस तरीके से मिलाकर तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा ग्लू बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए मेरा जो ग्लू है वो बनके तैयार हो गया, एकदम स्मूथ सा इसका पेस्ट मैंने बना के तैयार कर लिया है और इसको हम वहाँ पे रख देंगे एक साइड में। तो देखिए ब्रेड फिंगर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक ब्रेड को ले लिया है। इसको मैं एक शार्प नाइफ की हेल्प से इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको कट कर लूँगी। कट करके उनको एक साइड में हम रख देंगे, उनका जो यूज़ है हम बाद में करेंगे। तो देखिए मैंने चारों कॉर्नर्स को अच्छे से काट लिया है और इसको एक साइड में हम रख देंगे। अब हमें बेलन की हेल्प से इस ब्रेड को स्लोली स्लोली बेलना है। जितना स्लोली आप बेलेंगे उतना आपका काम जल्दी होगा और इसको थिन बेल के हमें रख लेना है। तो देखिए मैंने इसको एकदम थिन सा बेल के तैयार कर लिया है। अब मैं इसको बीच से कट कर दूंगी। ये देखिए मैंने इसको बीच से कट कर लिया है। अब जो मैंने ग्लू बनाया था उसको मैं स्पून की हेल्प से इसके कॉर्नर पर चारों तरफ से लगाऊंगी। दोनों ब्रेड्स के पार्ट पर हमें लगा लेना है अच्छे से इसको।
तो ये देखिए मैंने इसको लगा के तैयार कर लिया है। अब मैंने जो आलू की स्टफिंग बनाई इसको मैं इसमें रखूंगी, और इसको एक साइड से, एक साइड ही रखना है हमें, और एक साइड से इसको ऊपर से फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए, और अच्छे से फोल्ड करके इसको अच्छे से चिपका देना है। ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। जो अगर एक्स्ट्रा लग रहा है हमें कि हमने एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा डाल दिया है, तो उसको एक साइड फिंगर की हेल्प से हटा दीजिए। तो ये देखिए कितना बढ़िया मेरा ब्रेड पॉकेट बनके तैयार हो गया है, ये देखिए। तो इसी तरीके से हम सारे ब्रेड पॉकेट्स को बना के तैयार कर लेंगे। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और क्रिस्पी भी होता है खाने में। तो ये देखिए, अब मैं इसको 5 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी, या फिर फैन चला दीजिए, तो 2 मिनट्स में हमारा जो काम है वो हो जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से मैंने सारे ब्रेड पॉकेट्स को बना के तैयार कर लिया है। तो देखिए मैंने ले लिया है वही ग्राइंडर जार। अब जो ये कॉर्नर्स बचे हुए थे, जो मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स काटे थे, इनको मैं इसमें डाल के इसका ब्रेड क्रम्स बना के तैयार कर लूंगी। अगर ये कम पड़ता है तो इसको हम बाद में इसके साथ एक या दो ब्रेड को भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ये काफ़ी होगा। तो इसको देखिए, मेरे ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो गए हैं। यहीं पर जो मेरा ग्लू बचा है, ये मेरा इतना ग्लू बचा है, बाकी सब मेरा यूज़ हो गया है। इसमें ही मैं 2 स्पून मैदा डाल के, 1/4 2 स्पून मैदा मैंने डाल ली है, देखिए 1/4 ग्लास वाटर मैं इसमें ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिलाऊंगी। तो ये देखिए, इसको अच्छे से मिला लीजिए, इसमें कोई लम्प्स, इसमें कुछ भी लम्प्स ना बचे, और जो पानी है वो सारा इसमें ऐड कर दीजिए। अब ब्रेड क्रम्स और मैदा के घोल को एक साथ रख लेना है, और एक साथ रखने के साथ साथ आपको मैदा के अंदर एक एक ब्रेड पॉकेट को डिप करना है मैदा के घोल के अंदर, और फिर उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स में उसको डिप कर देना है अच्छे से, और चारों तरफ से रोल कर लेना है। ब्रेड पॉकेट को फ्राई करने के लिए मैंने ले लिए कढ़ाई। कढ़ाई में कुछ डाल दिया है मैंने ऑयल। ऑयल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें एक एक ब्रेड पॉकेट को डालती जाऊंगी। ब्रेड पॉकेट बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा ये प्रोसेस हमें केयरफुली करना है। और एक बार में जितने ब्रेड पॉकेट्स आएंगे कढ़ाई में, उतने हम उसमें डाल देंगे। देखिए मेरे जो ब्रेड पॉकेट्स हैं वो फ्राई हो गए हैं, इसी टाइम पे हमें इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेना है। इससे ज़्यादा हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं, और साइज़ में भी थोड़े से बड़े हो गए हैं। तो देखिए मेरे ब्रेड पॉकेट्स बन के हो चुके हैं तैयार। अब आप इनको इंजॉय कर सकते हैं कैचअप के साथ, हरी चटनी के साथ। झटपट से बनने वाले ये ब्रेड पॉकेट्स खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।